मेरा जो गोप्रो है वो कर रहा है प्रॉब्लम, मतलब बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है गोप्रो पे। लोकेशन, वी आर कमिंग, लेट्स गो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है मेरे साथ केतन। हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटा मोटा सा एक रूट को एक्सप्लोर करने, जो बहुत ही मतलब ज़रूरत का रूट है, क्योंकि माँ सड़क से वो लिंक करता है अल्ताफ ब्रिज तक। तो वो रोड हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, मैं और केतन। तो लेट्स गो। लेट्स गो। एंड मुझे लगता नहीं कि उस रूट को पहले किसी ने एक्सप्लोर किया होगा। हाँ, सिलचर में हम लोग शायद फर्स्ट होंगे कि वो लोग वो रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, एंड गूगल मैप में ये रोड हमेशा सजेस्टेड पे आता है। अगर आप लोग टाउन से अगर डोलो नहीं, आई गेस हारेंगा जाओ का अगर मैप लगाते हो तो वो रोड सजेस्टेड पे आता है, लेकिन सब लोग उसे स्किप कर लेता है। एंड मेरा मन में वही रहता है कि अरे यार, सब लोग इसे स्किप क्यों करता है। तो वही आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हाँ, देखते वो हैं रोड का कैसा। कंडीशन भी देखेंगे कैसा है जितना तक कैसा लग नहीं। रहा है थोड़ा ख़राब निकलने वाला है, पर फिर भी हाँ, कोई नहीं, देख तो लेंगे। देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूँ कि मेरा जो गोप्रो है वो कर रहा है प्रॉब्लम, मतलब बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है गोप्रो पे। वो है कि गोप्रो कभी कभार मतलब ऑन नहीं होता, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है गोप्रो पे। तो ये जो झंझट है उसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसको रिपेयर करने के लिए मुझे भेजना पड़ेगा रिपेयर सेंटर, लेकिन वो हमारे सिलचर पे नहीं, इंडिया पे भी नहीं है ये रिपेयर सेंटर इसका। तो इसके लिए हम लोग को इसको भेजना पड़ेगा शायद से आउट ऑफ कंट्री। तो देखते हैं कहाँ भेजना पड़ता है, मुझे वो बेसिकली पूरा परफेक्ट पता नहीं है। तो केतन को पता है, केतन भी अपना हीरो हीट भेजेगा और मैं भी अपना हीरो हीट भेजने वाला हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, और उसके बारे में आपसे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल गाइस, हम लोग चलते हैं उस रूट को एक्सप्लोर करने। गाइस, फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ लियो पे और मैं लियो चल रहा हूँ। मेरे ब्लॉग में शायद ही फर्स्ट टाइम होगा कि मैं लियो को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने ब्लॉग पे, तो फर्स्ट टाइम होगा। या फिर इससे पहले मैंने तेरा बाइक चलाया था क्या? हाँ, जिस दिन मैंने तेरा बाइक चलाया था उस दिन, लेकिन मेरे तब तो ब्लॉग नहीं कर रहा ना, मेरा चैनल नहीं था ना। ओ हाँ, ब्लॉग पहली बार ही कर रहा हूँ लियो पे और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अल्ताफ ब्रिज और आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। और इसी के साथ अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा मोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बिकॉज़ हम लोग को पूरा रोड एग्जैक्टली नहीं पता। तो उस रोड को गूगल मैप पे बिठा रहे हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक के लिए आप कुछ सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए। गाइस, फिलहाल आप लोग बताना कि सिनेमेटिक कैसा था और सिनेमेटिक आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे जो गूगल मैप, रुकिए मैं थोड़ा अच्छे से, तो गूगल मैप पे कितना दिखा रहा है, 22 मिनट्स। अच्छा, 22 मिनट्स लगेगा हम लोगों को। ये रहा, फिलहाल चलते हैं। तो गाइस, यहाँ से निकलते हैं और गूगल मैप को फॉलो करते हुए उस गली से चलते हैं और उस रूट को देखते हैं कि रूट कैसा है कैसा नहीं, और मतलब व्यू वगैरह कैसा है, तो सब कुछ देखेंगे। फिलहाल चलते हैं अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए। गाइस, जो रोड का कंडीशन है अभी तक तो गाइस में अच्छा ही दिखाई दे रहा है, मतलब अभी तक तो कंडीशन अच्छा ही है, लेकिन आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल चलते हैं आगे। लोकेशन, वी आर कमिंग, लेट्स गो।
चलो चलो चलो। तो गाइस यहाँ पे मैंने और केतन ने देखा यहाँ पे खूबसूरत सा लोकेशन, तो हम लोग सोच रहे कि उस जगह को क्यों ना एक बार एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन हम लोगों ने लोकल से पूछा था कि वहाँ जाने का रूट है या नहीं, तो वो लोग बता रहे कि है, लेकिन सामने से जाके घूम के जाना पड़ता है। तो एनीवेज घूम के जाएंगे ज़रूर, लेकिन सामने कहाँ से वो रोड है वो ही पता नहीं। फिलहाल चलते हैं वहाँ पे जाने का, मुझे भी बहुत मन है और केतन को भी, क्योंकि हमारा तो काम ही है एक नया नया जगह एक्सप्लोर करना। ये यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रहा है, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यही रोड है, यही रोड है। स्पीड देख रहे हो क्या? ओए ओए मजेदार रोड है गाइस। ओ भाई क्या खूबसूरत लोकेशन, वी आर कमिंग। तो गाइस हम लोग मस्ती मजाक करते हुए इतने अच्छे से लोकेशन पे आ चुके हैं गाइस, फिर भी थोड़ा दूर बाकी है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कितना खूबसूरत सा लोकेशन है वहाँ पे। तो चलो चलो ताको ये करना आशा वाले की तो आर्मी कैंपस है, नहीं आर्मी कैंपस है, नहीं आर्मी है ना, ना आर्मी कैंप नहीं, ना ना आर्मी कैंप इंगेन देख ला आर्मी बस उस जा ओ हो गई थी सामने आसे कत दूर हुई वो 2 किलोमीटर हम का 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं हम लोग ड्रोन उड़ा सकते हैं, यहाँ पे आर्मी कैंप बहुत दूर है। एक्चुअली गाइस आर्मी कैंप के सामने मतलब ये इस तरह के जो लोकेशन होता है, तो अगर अगर आर्मी कैंप वगैरह सामने हुआ तो जाना थोड़ा रिस्की है। रास्ता भी रिस्की हो रहा है भाई, लेकिन मैं आपको तो इस तरफ से रुक रुक मैं उतर जाता हूँ, मत उतर बैठ जाना। हाँ बैठ जा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओए होए ओए होए फाइनली रीच्ड द खूबसूरत लोकेशन। उतना भी खूबसूरत है नहीं, उतना भी खूबसूरत है नहीं जितना वहाँ से दिख रहा था, बिकॉज वो पीछे का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। वो पीछे का नज़ारा जो है ना वो खूबसूरत दिखाई दे रहा था गाइस। देखिए ओ भाई भाई ड्रोन उड़ा भाई, बहुत खूबसूरत सा व्यू आएगा गाइस। यहाँ पे देखिए इतना खूबसूरत सा लोकेशन है गाइस, जो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है और इसके सामने यहाँ पे बैठ के आप लोग चिल मार सकते हो। लेकिन गाइस खूबसूरती तो इधर है, ये देखिए गाइस व्यू, देखिए गाइस गाइस इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। तो गाइस एक लाइक कर दीजिए, ये व्यू देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है। और आगे आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, फिलहाल मैं और केतन कुछ सिनेमेटिक उठाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को मिल चुके हैं कुछ छोटा मोटा सा दोस्त। तो ये रहा भाई, हेलो नाम क्या है?
अच्छा तुम्हारा नाम, अच्छा तुम्हारा नाम, ये बहुत सा क्यूट है भाई, ये क्यूट लगा भाई मेरे को, सभी क्यूट है, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग को यूनिक लगा। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय इस खूबसूरत सा लोकेशन को, फिलहाल चलते हैं हम लोग, अभी मैं चलाऊंगा लियो और एक लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे लोकल्स पे जो हम लोगों को कुछ नए छोटे छोटे क्यूट क्यूट फ्रेंड्स मिले थे उन लोगों ने बताया, तो फिलहाल चलते हैं देखते हैं क्या कैसा कुछ सीन। तो गाइस चलते फिरते इतना खूबसूरत सा लोकेशन मिल रहा है और क्या चाहिए, और एमटी का पिकअप तो लाजवाब। गाइस ये रूट देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही एडवेंचरस है और खूबसूरत भी। ओए होए होए होए, गाइस यहाँ पे देखिए, ओए होए ओ, इसका RX100 का साउंड आता है, मैंने लगा, मुझे लगा इतने समय से हम लोग वहाँ से सुन रहे थे, मैंने बोला कोई RX100 को इतना रैप क्यों कर रहा है, यहाँ पे पेड़ काट रहा है वो भाई। और ये आप तो ये लोग सामने है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को कुछ छोटे मोटे दोस्तों ने बताया कि यहाँ से जाने से एक सुंदर सा लोकेशन मिलेगा, अभी फिलहाल चलते हैं। हम लोगों ने वो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बच्चों से पूछा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा लोकेशन है या नहीं, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे है, तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं। ओ भाई बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है गाइस, देखते हैं सामने जाके मिलता है या नहीं। यहाँ पे एक छोटा मोटा स्कूल भी है। सो गाइस फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग अच्छे वाले रूट पे मिल गया था, हम लोग अच्छा वाला रूट, लेकिन यहाँ पे एक ब्रिज है जिसपे बाइक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं यहाँ से बैठ के कह सकता हूँ कि यहाँ पे नहीं चलेगा, वो नीचे का जो वो गार्ड है, वो मड गार्ड है, वो टूट जाएगा, तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं और गाइस चलते हैं यहाँ से और बाय बाय सबको, तो निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी हम लोगों को वो रोड एक्सप्लोर करना है, हम लोग तो निकले थे रोड एक्सप्लोर करने और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ दो तीन लोकेशन भी एक्सप्लोर कर लिया और अच्छा अच्छा सिनेमैटिक वगैरह भी ले लिया, तो एनीवेज चलते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी सुनने में लग रहा है कि लगभग 25 मिनट्स लगेगा यहाँ से वहाँ सड़क जाने में, तो देखते हैं कितना समय लगता है कितना समय नहीं, तो लेट्स गो गाइस लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल हम लोग दोबारा से आ चुके हैं उस रोड पे जो रोड हम लोग जा रहे थे पहले, और वहाँ पे हम लोग ने एक जगह पे जाके थोड़ा बहुत सिनेमैटिक वगैरह लिया था, बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है गाइस, बहुत ही प्यारा भी है क्योंकि सामने एक वाटर बॉडी है। तो एनीवेज चलते हैं यहाँ से और कुछ सीन दिखाते हैं आपको सामने का। हम लोग थोड़ा गलत आ गए थे, तो आप लोगों को यहाँ से आने के बाद यहाँ से एक राइट टर्न मिलता है, सॉरी गाइस लेफ्ट टर्न, अभी मेरा था राइट टर्न, लेकिन वहाँ से आने से आपको लेफ्ट टर्न मिलेगा, तो चलिए गाइस चलते हैं। मैंने गूगल मैप को तो मतलब छोड़ ही दिया, मैंने गूगल मैप, मैंने मोबाइल अपना पॉकेट में घुसा के सिनेमैटिक वगैरह ले रहा हूँ और कुछ गूगल मैप पे देखा ही नहीं कि कैसा है कैसा नहीं। फिलहाल ये रूट जाके निकलेगा माँ सड़क, तो चलते हैं। ओए होए होए होए, यहाँ का रूट का कंडीशन थोड़ा बुरा है,
सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग लगभग आ चुके हैं यहाँ पे। एक ब्रिज है जो लगभग ऑलमोस्ट अल्ताफ ब्रिज जैसा ही है, आप देख ही पाते हो यहाँ पे जो नदी। तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग आ चुके हैं और ज़्यादा दूर बाकी नहीं है। ये देखिए गाइस थोड़ा डिस्टेंस बाकी है, महासड़क पे हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस ग्रेट सक्सेस, लगता है कि हम लोग निकल चुके हैं महासड़क। अभी देख लेते हैं निकलने के बाद, 300 मीटर दिखा रहा है। ओ भाई मुझे लग महासड़क दिखाई दे रहा है शायद से, वो रहा गाइस देखते हैं गाइस। ओहो गाइस ग्रेट सक्सेस, ये वाला रोड बहुत डिमांड में था गाइस। लोग जानना चाहते थे कि ये रोड कहाँ से जाके कहाँ पे निकलता है। हम लोग पहले होंगे, मैं और कैतन, कि हम लोगों ने ये रोड निकाला। ओ भाई मज़ेदार। ओए ये तो हाथी जोड़ा वाला वो है ना, टी गार्डन, पता नहीं। तो फाइनली गाइस, फाइनली गाइस, महासड़क। अभी यहाँ से सीधा चलते हैं हम लोग टाउन के, और भाई मजा आ गया आज ये वाला जगह। हाँ भाई बहुत मजा आया, बीच में हम लोगों को इतना खूबसूरत सा लोकेशन मिला गाइस, और यहाँ पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं महासड़क। अब देख ही पा रहे ये जो दिखाई देता है डिवाइडर, इसको देख के हर कोई पहचान जाता है कि ये महासड़क है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं महासड़क। तो फिलहाल निकलते हैं और अभी चलते हैं घर फटाफट से। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं केतन के घर के सामने। तो अभी अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है। रुक तो अलविदा मतलब मिलते हैं आपको कुछ दिन बाद। हाँ उस पर जाना है नेक्स्ट, तो चलो चलते हैं। बाय 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 बाय। फिलहाल अभी केतन केतन के घर चला गया है और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर। तो चलिए गाइस चलते हैं। ओ भाई आज MT-15 से तगड़ा वाला राइड करके आया गाइस, बहुत मज़ेदार वाला राइड था। लेकिन नेक्स्ट राइड से पहले हमारा डोमी का कुछ काम है, वो थोड़ा बहुत कराना पड़ेगा। डोमी का थोड़ा बहुत काम बाकी है, मतलब ब्रेक शू तो मैंने चेंज करा लिया था, अभी दो तीन काम और मुझे मतलब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में पूछना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं घर। और गाइस गोप्रो का सीन, गाइस गोप्रो बहुत प्रॉब्लम दे कर रहा है गाइस, मेरा भी केतन का भी दोनों का गोप्रो बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अभी देखते हैं केतन और मैं क्या करेंगे, लेकिन दोनों का गाइस वारंटी ख़त्म होने के बाद प्रॉब्लम कर रहा है। वारंटी रहते हुए तब कोई प्रॉब्लम नहीं किया, लेकिन अभी वारंटी ख़त्म हो चुका है तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो एनीवेज देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। फिलहाल फटाफट से चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ घर और बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ गाइस, और लगभग 3:30 बज रहा है और अभी मैं घर आया हूँ। तो आज का सीन मैंने आपको दिखाया और वो लोकेशन प्यारा सा लोकेशन मतलब याद रहेगा मेरे को। और एक लोकेशन है हम लोगों ने निकाला है आज, वो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली। तो देखते हैं। और गाइस गोप्रो का क्या करता हूँ वो तो केतन ही जानेगा, क्योंकि केतन मुझे बोलेगा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि प्रांतिक भैया जो दी रेड राइडर है उन्होंने अपना गोप्रो ऐसे चेंज करवाया था, तो उनका तो वारंटी के अंदर था, लेकिन हम लोगों का वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो अभी वही देखना पड़ेगा कि क्या किया जाए क्या नहीं, तो वही केतन और मैं डिस्कस करेंगे इसके बाद जो करेंगे इस गोप्रो का, क्योंकि गोप्रो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है गाइस। बीच बीच पे ऐसा हैंग हो जा रहा है, गोप्रो चालू ही नहीं हो रहा, घंटा डेढ़ घंटा मतलब बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, चालू ही नहीं होता। इसका कुछ इलाज निकालेंगे। फिलहाल
गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर आपको ये छोटे सब लोग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज एज 11 रेडर साइनिंग ऑफ। बी सेफ एंड राइड सेफ।